नमस्कार दर्शकों, लोकसभा टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कर विद्यार्थियों का बढ़ाया हौसला, परिजन और शिक्षकों ने साथ देखा कार्यक्रम। धान खरीदी के लिए दो दिन बाकी, रिकॉर्ड खरीदी उठाव में बनी हुई है तेजी। खुदगर्ज बना एसईसीएल, भू विस्थापित ग्रामीणों ने मुख्यालय में की जमकर नारेबाजी। और राज्यभर से ताइक्वांडो खिलाड़ी जुटे बिलासपुर में, महाधिवक्ता के हाथों पुरस्कार पाकर हुए गदगद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। बिना देरी किए दर्शकों, आइए खबरों को देते हैं विस्तार। शिक्षा विभाग ने जिले के छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों को लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम दिखाया। प्रधानमंत्री के टाइम मैनेजमेंट, तनाव से बचने और मन की ताकत पर टिप्स सुनकर सभी बेहद प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के सातवें संस्करण में देशभर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। इस दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने प्रेरणादायक उदाहरण दिए। करीब पौने दो घंटे तक पीएम सर की मेगा क्लास में बच्चों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने और अच्छा नागरिक बनने टिप्स मिले। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और शिक्षकों से भी बात की। उन्होंने कहा, तनाव का अनुभव सभी पेरेंट्स करते हैं, पढ़ाई और रिजल्ट का प्रेशर बच्चों पर पड़ता है। इससे निपटने खुद में सामर्थ्य पैदा करें, मन की ताकत मानसिक क्षमता देती है। सुबह 4 बजे उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, आपने तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जीतना है और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। हम तय करूं और साथ ही कर पाऊं तो सुबह उठता है, देखो कल तो कर नहीं पाए, आज करूंगा, तो एक खुद भी दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री ने बेहद सरल और मजेदार अंदाज में बच्चों के हर एक सवाल का जवाब दिया। जिला शिक्षा और समग्र शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों के सैकड़ों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और शिक्षकों को प्रसारण कार्यक्रम दिखाने लखीराम ऑडिटोरियम में इंतजाम किया। यहां पहुंचकर कलेक्टर अवनीश शरण, जिला पंचायत के सीईओ अजय अग्रवाल ने कार्यक्रम देखा और बच्चों से बात की। जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू समेत अधिकारी पूरे समय मौजूद रहे। बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी एक्साइटेड है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम बिलासपुर में परीक्षा पे चर्चा जिसका 7वां संस्करण है, माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसको लेकर बिलासपुर ज़िले में अच्छी तैयारी है, सभी स्कूलों को जोड़ा गया है इसमें और बच्चे स्कूल के माध्यम से भी और ऑडिटोरियम के माध्यम से भी कहीं कहीं मल्टीप्लेक्स में भी इसको दिखाने की सुविधा दी गई है। और मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से जो एग्ज़ाम आने वाले हैं भी, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे अन्य एग्ज़ाम हो, बच्चों पे सकारात्मक असर पड़ेगा और बच्चों को में जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम्स का, उसको दूर करने में मदद मिलेगी। लखीराम ऑडिटोरियम में ये तो हो रहा है यहाँ, और इसके अलावा 2 मल्टीप्लेक्स है वहाँ भी आयोजित किए हैं और ब्लॉक स्तर में भी सब अच्छे ढंग से हो रहा है। मस्तूरी ब्लॉक में, कोटा में और तखतपुर में, बिल्हा में, ये सभी ब्लॉक में हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, हमारे जिला में पूरे अच्छे ढंग से हो रहा है। बातचीत सुनकर बच्चे प्रधानमंत्री से प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि परीक्षा में सफलता ही नहीं, तनाव मुक्त जीवन जीने का यही मूल मंत्र है। नहीं, पहले नहीं देखी थी, पहली बार रहा, बहुत अच्छा रहा इस बार। मतलब इससे हमको ऐसे सीखने के लिए मिला कि जैसे हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे हमें कुछ भी तैयारी नहीं होती, तो उससे हम मतलब इसको देख के और भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे हम अपना तैयारी कर सकते एग्ज़ाम के लिए और अपना टाइम रूटीन कैसे बना सकते हैं। मुझे यहाँ आके ये प्रेरणा मिली कि जब हम डिप्रेस्ड रहते एग्ज़ाम के टेंशन पे, तो उस पर पीएम सर ने हमें बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा उत्तर दिया और हमें मोटिवेट किया। इससे मुझे बहुत इंस्पायरिंग मिली, इंस्पिरेशन मिली और एग्ज़ाम के लिए एक अलग ही तरीके की प्रेरणा मिली।
ये बहुत अच्छा था और इससे हम लोगों को बहुत अच्छी सीख भी मिली कि हमको एग्ज़ाम में कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए टेंशन भी नहीं लेना है, उससे कैसे मुकाबला करना है। दोस्तों के साथ भी कंपटीशन वाली कोई बात हो रही थी? यस सर, हम लोग को दोस्तों के साथ इस चीज़ में कंपटीशन करना चाहिए कि हम उनसे और अच्छे से कैसे सीखें, उनसे और अच्छा कैसे करें, जो चीज़ हमें नहीं समझ आ रही उनसे हम कैसे सीखें। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि वो कैसे इतने पॉजिटिव रहते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में आने वाली चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हेमुनगर वासियों के सहयोग से रेलवे अधिकारी कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। हनुमान मंदिर के बगल से रेलवे की खाली जमीन पर नीम, पीपल, आम, बरगद, अमरूद समेत 20 से ज्यादा पौधे लगाकर इनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। पर्यावरण संरक्षण और अगली पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित करने वरिष्ठ नागरिकों ने भी पौधे लगाए। बिना तामझाम के स्थानीय लोगों ने पौधारोपण कार्यक्रम किया और इनके देखरेख का आपस में जिम्मा लिया। पौधारोपण कर रेलवे के अधिकारी कर्मचारी खुश होकर कहने लगे, उनके रिटायरमेंट तक पौधे ऊंचे होकर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। भविष्य में यहां हरियाली बढ़ाने और इनसे फल मिलने की खुशी हेमुनगर निवासियों के चेहरे पर दिखाई दी। बिलासपुर पुलिस ने शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सरप्राइज चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहनों की जांच पड़ताल की। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, तीन सवारी, बिना नंबर, गलत तरीके से लिखे नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न, संदेहास्पद वाहन, बिना सीट बेल्ट के कार चलाने वालों को जो है नियम का पाठ पढ़ाया और उन पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की। सरप्राइज अभियान के तहत कुल 201 वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कल की गई और इनसे 84,700 रुपए का अर्थ दंड वसूल किया गया। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले 21 लोगों पर भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं और वाहन चेकिंग की जा रही है। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, तीन सवारी या फुहड़ता के साथ वाहन चलाना, इस प्रकार के लोगों को रोककर चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार का अवैध सामग्री या अवैध प्रकार के असामाजिक लोगों के द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बन सकता है। राज्य में अब तक सर्वाधिक 127 लाख टन धान की खरीदी MSP पर की गई है। कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। खरीदी को अब 2 दिन शेष बचे हैं। इन 2 दिनों में जो खरीदी केंद्रों में भारी आवक की संभावना जताई जा रही है। पिछली सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2500 रुपए प्रति क्विंटल दर पर धान खरीदा था। अब भाजपा सरकार ने धान के लिए MSP 3100 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है और खरीद की सीमा पिछले वर्ष 15 क्विंटल के मुकाबले बढ़ाकर 21 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है। जिस तरह धान की खरीदी इन दिनों बढ़ी है, उससे भाजपा सरकार को उम्मीद है कि 130 लाख टन का अनुमानित लक्ष्य वो आसानी से पूरा कर लेंगे। अभी किसानों के पास उपज बेचने के लिए 2 दिन का समय बचा है, क्योंकि धान खरीदी की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। ऐसे में राज्य में धान खरीदी हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख प्रतिद्वंदियों ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में सर्वोत्तम रिटर्न की पेशकश करने एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की थी। जिले में भी सभी खरीदी केंद्रों में इन दिनों धान की आवक बढ़ गई है। इन केंद्रों में धान की ऊंची ऊंची छल्लियां दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उठाव भी निरंतर जारी है। पिछली सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदा था। राज्य में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2739 है। धान उत्पादकों की सुविधा के लिए सहकारी समितियों की संख्या 1333 से बढ़ाकर 2058 कर दी गई है। अब तक कुल खरीदी में 84 लाख टन से अधिक धान का उठाव कस्टम मिलिंग के लिए किया जा चुका है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नेहरू चौक से इंदिरा सेतु जाने सड़क पर रिवर व्यू सड़क को जोड़ा जा रहा है, मगर इस सड़क पर हर पल जो है जाम की स्थिति बनी रहती है। नेहरू चौक से लेकर इंदिरा सेतु को जोड़ने वाले सड़क की चौड़ाई भी काफी कम है और उनके बीच जो है रिवर व्यू सड़क को जोड़ने से आने वाले समय में जो है वाहनों
को जो जाम लगेगा इसकी भी संभावना जताई जा रही है। जिला और नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को प्रॉपर प्लानिंग करके इस आकर्षक मार्ग को शुरू करने की चुनौती रहेगी, क्योंकि फिलहाल शहर के भीतर और बाहर दोनों जगह ट्रैफिक बड़ी समस्या है। तिफरा में गोकने नाला गंदगी से भरा है। विशाल नाला खुला होने से लोग इसमें कचरा फेंक रहे हैं, जिससे गंदे जल की निकासी अवरुद्ध है। सकरी, उसलापुर, यदुनंदन नगर होते हुए तिफरा बाजार चौक से आगे ये नाला बढ़ जाता है। कई जगह बेजा कब्जा होने से नाला सकरा हो गया है। वार्ड नंबर 5 यदुनंदन नगर इलाके में स्थिति ज्यादा खराब है। कई साल हुए नाले की सफाई नहीं की गई है, इससे मलबा और गंदगी का अंबार लगा है। उधर वार्ड क्रमांक 16 कुदुदन में नियमित साफ सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी पसरी है, नाली भी जाम पड़ी है। नगर निगम प्रशासन सफाई के लिए हर महीने 125 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है खर्च करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कंटेनर नहीं होने के कारण लोग कचरा सड़क पर फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से चारों ओर गंदगी है। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि वार्ड में नियमित तौर पर साफ सफाई कराए, ताकि आम जनता को दिक्कत का सामना न करना पड़े। कोरबा जिले में SECL के जो चारों परियोजनाएं हैं, कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, इसके भू विस्थापितों की रोजगार, मुआवजा, बसाहट, आंशिक अधिग्रहण समेत कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण अब तक नहीं किया गया है। भू विस्थापितों का आरोप है कि मूल्यांकन में भी गड़बड़ी की गई है। इसे लेकर ग्रामीणों ने मुख्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। कोरबा जिले में SECL परियोजना के भू विस्थापितों की समस्या खत्म नहीं हो रही है। वे कई बार अपनी समस्याओं के संबंध में एरिया स्तर पर अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इससे नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को SECL मुख्यालय का घेराव कर दिया। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक रोजगार, CSR कार्य, ठेका श्रमिकों और ड्राइवरी की समस्याएं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए लगातार निवेदन आवेदन किया है, लेकिन प्रबंधन की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा, जिससे प्रतीत होता है कि भू विस्थापितों की समस्याएं मुख्यालय में बैठे अधिकारियों के कारण ही लंबित है। कोरबा है, कुसमुंडा है, गेवरा, दीपका है, चारों परियोजना के भू विस्थापित हैं। हमारी मांग ये है कि SECL उत्खनन के लिए जमीन लेती है, लेकिन जमीन के बदले में जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं दे रहे, इसके लिए हम आज आए हैं। 25-33 गांव का अर्जन हुआ है, किसी में 40 गांव का अर्जन हुआ है, बहुत लोग हैं इसमें और लगभग 1000 की संख्या में हम लोग आए हैं और इसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि जो जमीन लेते हैं तो रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार ये समय पर नहीं दे रहे हैं। नए नए नियमों का हवाला देकर रोजगार से वंचित कर रहे हैं। पहले जब रोजगार होता था देते थे, उस समय कुछ नियम नहीं था। गांव वाले प्रबंधन और प्रशासन के बीच में जो नियम बनती थी उसके हिसाब में रोजगार देते थे, ये देते चले गए, लेकिन बाद में मनमानी चालू कर दिए और बोले उस नियम को बोले कि नए नियम उसमें लगाना चालू करे, जिससे लोगों को रोजगार देना ना पड़े। धरने पर बैठे भू विस्थापित कई वर्षों से निराकरण की उम्मीद लगाए हुए हैं। इस बीच सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण उन्हें मुख्यालय बिलासपुर तक आना पड़ा। धरने के दौरान ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व सूचना को ध्यान में रखते हुए गेट के सामने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयसाहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कई शासकीय विभाग व्यवसायी और घरेलू उपभोक्ता बिजली विभाग के बकायादार हैं। शहर के 2 डिवीजन के अंतर्गत 7 जोन आते हैं। इसमें तोरवा, सिरगिट्टी, तिफरा सहित सभी जोन में बकायादारों की लंबी फहरिस्त है। सिर्फ तोरवा जोन में ही करीब 4,30,00,000 रुपए शासकीय विभाग, व्यवसायी और घरेलू उपभोक्ताओं के बाकी है। सभी जोन की बात करें तो 30 करोड़ से अधिक की बकाया राशि है। बिजली अधिकारियों के सामने मार्च महीने तक बकाया राशि वसूल करने बड़ी चुनौती है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है, यही कारण है कि कई ट्रेनें इससे प्रभावित हैं। राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो, मेल समेत दर्जनों ट्रेनें रोजाना विलंब से चल रही है। ट्रेनों की रफ्तार पर घने कोहरे ने लगाम कस दिया है, इससे यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई है। देरी से चलने वाली ट्रेनों के कारण स्टेशन पर मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसका असर बिलासपुर स्टेशन आने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत की ओर से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो निर्धारित समय से काफ़ी देरी से यहां पहुंच रही है। वहीं हावड़ा की ओर से भी कई ट्रेनें विलम्ब से बिलासपुर स्टेशन पहुँची हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चकरभट्टा पुलिस ने कार्यवाही की। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 3
जो है कार चालकों को मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत 185 की कार्यवाही की गई। चालक हरी साहू सरगंडा, अशोक साहू करगी रोड कोटा और इंदु मेजिका छतौना निवासी मुकेश सिंह को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आपराधिक गतिविधि वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने, ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने, सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आइए खबरों के दौरान एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कर विद्यार्थियों का बढ़ाया हौसला, परिजन और शिक्षकों ने साथ देखा कार्यक्रम। धान खरीदी के लिए 2 दिन बाकी, रिकॉर्ड खरीदी, उठाव में बनी हुई है तेजी। खुदगर्ज बना SECL, भू विस्थापित ग्रामीणों ने मुख्यालय में की जमकर नारेबाजी। और राज्य भर से ताइक्वांडो खिलाड़ी जुटे बिलासपुर में, महाधिवक्ता के हाथों पुरस्कार पाकर हुए गदगद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। बढ़ते हैं खबरों में। 5वें स्वर्ण कप आमंत्रण ताइक्वांडो प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने उनका उत्साह बढ़ाया। बिलासपुर के जिला खेल परिसर में आयोजित स्पर्धा में विभिन्न वजन वर्ग के मुकाबले हुए। राज्य भर से 475 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। राज्य स्तरीय 5वें स्वर्ण कप आमंत्रण ताइक्वांडो प्रतियोगिता बिलासपुर में हो रही है। 2 दिनों में हुए विभिन्न वजन वर्ग के मुकाबले के विजयी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किया गया। पदक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत, अध्यक्षता कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता SP काले, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल वर्मा और अमेठी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर अरुण पटनायक विशिष्ट अतिथि थे। सभी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें बधाई दी और पराजय से निराश होने के बजाय खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करने प्रेरित किया। प्रदेश ताइक्वांडो संघ के महासचिव रामपुरी गोस्वामी ने कहा, प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग के 26 वेट कैटेगरी में 86 मेडल का वितरण किया गया। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से 475 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उनके साथ 60 ऑफिशियल यहां पहुंचे हैं। सब जूनियर वर्ग के जो बच्चे हैं, 11 साल के नीचे बच्चों का 13 वेट कैटेगरी में इनका फाइनल फाइट हुआ है। 13 वेट कैटेगरी गर्ल्स का और 13 वेट कैटेगरी बॉयज़ का। तो ऐसे हमने यहाँ पे टोटल आपका 56 मेडल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। 18 जिले से 475 बालक बालिका खिलाड़ी आए हुए हैं। कोच और अधिकारियों की संख्या करके 555 टोटल उनकी संख्या हो रही है। ये 4 दिनों तक इनका मैच चलेगा। यह गेम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का अवसर मिले। वो उद्देश्य हम इस स्वर्ण कप आमंत्रण ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, ताकि आने वाले समय में ऑफिशियल चैंपियनशिप में बच्चे का प्रदर्शन अच्छा रहे और राष्ट्रीय स्तर पे वो अपने लिए राज्य के लिए स्वर्ण पदक लाए। 29 जनवरी को कैडेट वर्ग, जूनियर वर्ग के सभी वेट कैटेगरी के मैच जारी रहे। प्रतियोगिता के दौरान सरगंडा के खेल परिसर में उत्साह का वातावरण रहा। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो TV बिलासपुर। स्टेशन की पार्किंग व्यवस्था और विवाद, इन दोनों का नाता हमेशा रहा है। ठोस व्यवस्था करने के बजाय रेलवे ने RPF को ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है जो अब विवाद का बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन ये नियम जो है केवल यहां आने वाले यात्रियों और उनके साथ आए लोगों पर ही लागू किया जा रहा है। RPF के जवान खुद इस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन की पार्किंग व्यवस्था सुधारने के नाम पर यात्रियों और यहां पहुंचने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। सोमवार को भी यहां खड़े कई बाइक के टायर से हवा निकालकर चक्कों में चैन लगा दिया। नियम विरुद्ध हो रही इस कार्यवाही के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उनकी परेशानी की एक वजह यह भी है कि यहां दूर दूर तक हवा पंचर की कोई दुकान नहीं है। ऐसे में यात्रियों को घसीटते हुए गाड़ी लेकर जाना पड़ रहा है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति यहां अपना वाहन पार्क करता है तो उसे परेशान करने के लिए पहले से सचेत भी नहीं किया जाता। रेलवे स्टेशन की पार्किंग में हमेशा से विवाद होता रहा है। इसकी ठोस व्यवस्था करने के बजाय रेलवे ने RPF को ऐसी बेहुदा कार्यवाही करने का निर्देश जारी कर दिया है जो किसी भी स्थिति में नियम के अनुरूप नहीं है। यात्रियों ने इस कार्यवाही को पूरी तरह गलत करार दिया है और ये नियम केवल आम लोगों के लिए ही स्टेशन में लागू है, जबकि RPF पोस्ट के सामने नो पार्किंग जोन पर
जवानों के बेतरतीब खड़े वाहन देखे जा सकते हैं। इनमें दो और चार पहिया वाहन शामिल हैं, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। गार्ड लॉबी के सामने भी ये स्थिति देखी जा सकती है और आरपीएफ के जवान खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके बाद वे यात्रियों को परेशान करने से बाज नहीं आते। उनकी इस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेन पटना सिकंदराबाद के बीच चलाई जा रही है। अब इस ट्रेन का विस्तार 29 अप्रैल तक किया गया है। ये गाड़ी पटना से हर सोमवार और बुधवार को समर स्पेशल ट्रेन बनकर 29 अप्रैल तक विस्तारित की गई है। वहीं सिकंदराबाद से प्रत्येक शुक्रवार को सिकंदराबाद पटना समर स्पेशल ट्रेन 26 अप्रैल तक चलाई जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन में 2 SLR, 3 सामान्य, 12 स्लीपर, 4 AC3, 2 AC2 श्रेणी सहित कुल 23 कोच रहेंगे। ये गाड़ी पूरी तरह आरक्षित है और केवल कंफर्म टिकट यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति रहेगी। तो ये थी लोकसभा टीवी पर तमाम खबरें। आप आगे भी खबरें देखते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।